तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चॉकलेट चीज़ केक रेसिपी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है और खाने में भी बहुत यम लगता है। आप इसको घर पे बहुत इजीली और जो भी आपके पास घर पे सामान अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हो, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। सो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मेरे पास 2020 के चॉको चिप्स के जो चॉकलेट बिस्किट आते हैं ना, वो पड़े थे। आप अपने हिसाब से, आपको जो भी पसंद हो या आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो, लाइक ओरियो बिस्किट या हाइड एंड सिक बिस्किट, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ में ले सकते हो। मैंने ग्राइंडर जार लिया और उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा 2 पैकेट चॉकलेट बिस्किट का डाल दिया और इनका एकदम अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया। लाइक इनके बड़े टुकड़े मत रहने देना, एकदम अच्छे से इनका पाउडर बना लेना। फिर मैंने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र किया और मेरे पास कुछ बटर के पाउचेस पड़े थे, जो मम्मी बचपन में अपने स्कूल टिफ़िन में नहीं डाल के देती थी। एक पाउच लाइक 10 रुपए का आता है, मैंने वो यूज़ में लिया है। तो मैंने 5 बड़े चम्मच बटर मेल्ट कर लिया था, वो हमारे चॉकलेट पाउडर के अंदर डाल दिया और इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लाइक मिक्स 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 वाला मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने एक केक टिन लिया है, जिसका मेरा नीचे वाला प्लेट है वो डीमोल्ड एकदम आसानी से हो जाता है। और सेकेंडली मैंने इसको फॉइल पेपर से एकदम अच्छे से रैप कर लिया था, लाइक पूरा कवर कर लिया था। ये करना एकदम ऑप्शनल है, मैंने इसको एकदम अच्छे से कवर कर लिया था। फिर हम हमारे ये जो चॉकलेट वाला पाउडर है, मिक्सचर है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको एकदम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। पहले तो मैंने स्पून से किया था, फिर मैंने जो अदरक कूटने वाला नहीं होता उससे किया। आप कोई भी ग्लास से या फिर कोई भी कटोरी से एकदम इसको अच्छे से स्मूथली स्प्रेड कर लेना, तो हमारी ये नीचे की बेस की लेयर तैयार हो जाएगी। फिर इसको मैंने 15 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। तो जब तक हमारा ये बेस तैयार होता है, तब तक हम इसकी क्रीम चीज़ रेडी कर लेते हैं। तो क्रीम चीज़ बनाने के लिए मैंने घर की क्रीम चीज़ यूज़ में ली थी। आप मार्केट वाली भी यूज़ में ले सकते हो, और अगर आपको क्रीम चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं वो अपलोड कर दूँगी। फिर मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर के डाले और 2 चम्मच मैंने ये चॉकलेट स्प्रेड था मेरे पास, वो मैंने डाला इसके अंदर। आप चॉकलेट मेल्ट करके भी, डेरी मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके भी इसके अंदर डाल सकते हो, बट अगर आप चॉकलेट स्प्रेड डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने इसको एकदम अच्छे से व्हिप कर लिया। फिर मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम के डाले और फिर से मैंने इसको एकदम अच्छे से व्हिप कर लिया, ताकि हमारा जो सारा का सारा मिक्सचर है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा क्रीम चीज़ भी रेडी था। मैंने फ्रिज के अंदर से हमारा वो बेस जो हमने सेट करने के लिए रखा था वो बाहर निकाला और ये पूरा का पूरा हमारा क्रीम चीज़ का मिक्सचर मैंने उसके अंदर डाल दिया और इसको भी हम एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, कमेंट करके पहले ये बताना कि आपका फेवरेट चीज़ केक कौन सा है। मेरा तो चॉकलेट ही है, किसी का ब्लूबेरी भी होता है, मेरा चॉकलेट चीज़ केक है। फिर हम इसको एकदम अच्छे से इवनली इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और टैप टैप करेंगे, ताकि हमारा ये जो क्रीम चीज़ है वो अच्छे से स्मूथली स्प्रेड हो जाए। फिर इसके ऊपर मैंने वही जो चॉकलेट स्प्रेड था ना, उसको 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया, तो वो मेल्ट हो गया। फिर इसको भी हम स्मूथली स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर से, बहुत आराम से करना, ये बहुत आराम से करने वाली चीज़ है, वरना तो ये हमारा पूरा का पूरा चीज़ केक ख़राब हो जाएगा। इसको भी मैंने टैप टैप किया और 8 to 10 आवर्स के लिए मैंने इसको फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रख दिया। 8 से 10 घंटे बाद हमारा ये क्रीम चीज़ रेडी था और ये देखिए कितना स्मूथली निकल भी रहा है ये केक टिन से। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। मतलब बनने में तो ये 15 मिनट में बन जाता है, बस 8-10 घंटे आपको इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखना पड़ता है। उसके ऊपर मैंने जो मैंने चॉकलेट्स का मैंने जो पाउडर बनाया था वो ही मैंने एकदम अच्छे से इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए स्प्रेड कर दिया और ये देखिए हमारा चॉकलेट चीज़ केक तैयार था। ये कितना स्मूथली कट भी हो रहा है। आप भी एक बार घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा एंड एन्जॉय।